आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। गौशाला में खामियां मिलने पर मंत्री सुरेश खन्ना ने अधिकारियों को लगाई फटकार, चारे का मांगा लेखा जोखा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना रविवार सुबह सेक्टर 136 नगली वाजिदपुर गांव में गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे। गौशाला में निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर मंत्री सुरेश खन्ना ने पशु चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र श्रीवास्तव के साथ ही नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए चारे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान बारी में हरा चारा नहीं मिलने पर कैबिनेट मंत्री भड़क गए। उन्होंने सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, जेवर विधायक धीरेन्द्र ठाकुर, दादरी तेजपाल नागर के सामने ही अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, व्यवस्था में सुधार नहीं होने सख्त कार्रवाई की बात कही। निरीक्षण के दौरान अधिकारी गोवंश को दिए जाने वाले चारे के बारे में लेखा जोखा करने पर प्रस्तुत नहीं कर सके। गौशाला में लापरवाही के चलते मर रहे गोवंशों की शिकायत पर जांच करने पहुंचे मंत्री को गौशाला में कई खामियां मिली। उन्होंने जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए सुधार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने भूसा देने वाले ठेकेदार का भुगतान रोक उसकी पहचान करने के निर्देश दिए, साथ ही व्यवस्था से जुड़े अधिकारी की सूची मांगी। सख्त लहजे में कहा कि अगर जल्द ही सुधार न हुआ तो जिम्मेदार पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि लगातार गौशाला में बदहाली व लापरवाही की शिकायतें शासन स्तर पर हो रही है। सबसे पहले उन्होंने मवेशियों के रजिस्टर के साथ भूसा की खरीद व कर्मचारियों के रजिस्टर को चेक किया। वही खुले में पेड़ भूसा के ढेर को देखकर उन्होंने नाराजगी जताते हुए अधिकारी को फटकार लगाई। उन्होंने गोवंशों को उचित उपचार के निर्देश दिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।